इस ततैया ने डंक मार दिया मुझे मेरी कमर में, बहुत जोरों से डंक मारा है। इसके डंक से कुछ परेशानी होगी क्या वासु? सामने पहाड़ दिख रहे हैं, फिर भी यहाँ का टेम्परेचर करीबन करीबन 46-47 के आसपास है। इतनी बुरे वाली गर्मी है यार, इतनी बुरी वाली गर्मी है जिसको मैं बता ही नहीं सकता किसी शब्दों में। और एक रेस्टोरेंट या एक ढाबा नहीं है ढंग का पूरे रास्ते देखते हुए आ रहे। सुबह हमें निकलना था 5:30 बजे, जाना था हमें चकराता, ते उधर हमें करना था शाम नू जगराता मगर ये वासु महाराज कराटे मार के सो रहा था, मैं एक मिनट नहीं सोया हूँ। और अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 5:52 और अभी निकलना है हमें टाइम से। चले भाई, हाँ तैयार होते हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, अपन हो गए तैयार। टाइम बज रहे हैं सुबह के 7:13, बाइक पूरी तैयार है। एक बार बाइक दिखाता हूँ। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah. तो टाइम हो रहा है 7:39 और यहाँ से दिखा रहा है 321 किलोमीटर, 7 घंटे 1 मिनट लगेगा हमें पहुँचने में। गर्मी लग रही है बहुत बुरे वाली गर्मी, हम लोग निकलते निकलते बहुत ज़्यादा लेट हो गए। और अभी मुझे पैनियर्स के अकॉर्डिंग आदत है नहीं, तो मुझे बड़ा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो रहा है, क्योंकि पैनियर्स बाइक से बहुत ज़्यादा भार है यार। सच में थोड़ा केयरफुली चलाऊंगा अभी शुरुआत में। अगर यही हम लोग अभी 7:15 की जगह 6:15 निकले होते ना, तो थोड़ी सी रियायत मिलती हमें धूप में और ट्रैफिक से भी बचते। पता है मैं कार समझ के ड्राइव करूंगा भाई। अभी दो रूट जाते हैं चकराता के लिए, एक तो वहां से जाता है बाईपास से बिल्कुल सीधा, मतलब कि रुड़की और देहरादून होते हुए, और सेकंड रूट है ये वाला, यहाँ से हम जाएंगे सोनीपत और सोनीपत से राइट होंगे सहारनपुर वगैरह होते हुए, तो ये वाले रास्ते से जा रहे हैं। गूगल यहीं से दिखा रहा है 6:44। थोड़ा सा सुकून मिला है करनाल बाईपास वाली रोड पर आकर, हवा लग रही है, गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है कसम से। अभी ग्लव्स मैंने पहने नहीं है, हेलमेट के अंदर क्या पसीने आ रहे हैं सच में बता नहीं सकता हूँ। मेरठ 62 किलोमीटर, बागपत 12 और बड़ौत 26, हमें मेरठ तक तो जाना है। देखा कितना सुंदर रास्ता है, मस्त है। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but right, Delhi, left, Shamli. हम लोग जाएंगे left, Shamli की ओर। Time हो गया 9:06 और 5:50 दिखा रहा है अभी। 247 किलोमीटर अभी भी है। Shamli यहाँ से 54 किलोमीटर और सहारनपुर एक। Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. मधुमक्खी है ना, उड़ गई। इस ततैया ने डंक मार दिया मुझे मेरी कमर में, बहुत जोरों से डंक मारा है। दिल्ली से अभी तक गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से मैंने जैकेट बंद नहीं किया था। और अचानक से करीबन मैं 100 की स्पीड पे था और एक ततैया आई, छोटी सी मधुमक्खी जैसी होती है, येल्लो कलर की ततैया, वो आई और उसने सीधा मुझे यहाँ डंक, और जैसे ही लगा मुझे ऐसा करंट लगा बता नहीं सकता मैं। इन्होंने कंट्रोल कर ली बाइक, पता नहीं कैसे इतना दर्द होता है यार, एकदम लगता ही बस इन्होंने वो तेरी बोला, मैंने कहा क्या हुआ भैया, कह रहे लग रहा है कुछ ही नहीं काटा, मैंने कहा नहीं यार जैकेट से भी लग सकती है, कह रहे नहीं काटा है किसी ने, फिर साइड लगाई तो जैकेट में से निकली वो येलो कलर की। अभी मैंने इस पर कुछ कहते हैं लोहा वगैरह रगड़ने के लिए, तो चाबी मैंने इस पर रगड़ी है और मैं थोड़ी सी आगे जाके इस पर थोड़ा सा पानी डालूंगा। शामली से लगभग 10-15 किलोमीटर आगे आए हम लोग, पानी प्यास लग रही थी तो पानी पीने के लिए यहाँ पर रुके हैं। यहाँ से सहारनपुर लगभग 50 किलोमीटर है, जाने में 1 घंटा लगेगा, और सहारनपुर तक ऐसे चिलचिलाती हुई धूप है। एक बार वासु दर्शन करा है धूप के, ये देखो पूरी रोड चमक रही है बिल्कुल शाइनिंग शाइनिंग हो रही है। अभी तो लग रहा होगा आपको कि यार धूप ही तो भाई इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर बड़ी चीज़ पता ये है जो इन्होंने ये जैकेट पहनी हुई है ना, मैंने जस्ट ये सिंगल टी शर्ट पहनी है, मेरे को तब इतनी गर्मी लग रही है, तो इनका हाल सोचो।
इतनी हैवी है जैकेट जो है। और जिस स्पीड में हम लोग बाइक चलाते हैं 100-150 और उस स्पीड में कोई आ जाए एक्सीडेंट हो जाए, ये जैकेट ही बचाएगी बेटा, मेरी टी शर्ट नहीं बचाएगी, उधेड़ते हुए जाएगी, उधेड़ते हुए जाओगे। इसको मैं बोलता हूँ राइडिंग गियर्स खरीदने के लिए, खरीदने के लिए जूते एक नंबर पूरा अंदर तक। तो भैया का नाम है राहुल, ये हमें मिले हैं कौन सी जगह, थाना भवन सुगर मिल। तो भैया हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। ये भी हमारा ही है सब। अच्छा ये सारा आपका ही है, नोट वाले नोट वाले आदमी है, मैं हाईवे में जमीन ले रखी है। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity for everyone internally. I had some people. चक्राता से सिर्फ 20 किलोमीटर पहले रुक गए हम लोग। यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ रुक गया। वासु महाराज ब्लॉग बना रहे हैं अपना, वो आए भागते हुए। तो बड़ी मुश्किल से हम दोनों के चेहरे पे हंसी आई है, इतनी बुरा हाल था हमारा, मर गए थे बुरी तरह। गर्मी खतरनाक थी, यहाँ थोड़ा सा सुकून है। 4:42 हो गए हैं तो हम लोग करीबन 5:30 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ पे, फिर वहाँ मिलते हैं सीधा रूम पर। है जी, आप इतने नज़ारे देखो। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fuck. तो finally, थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद वासु की हम लोगों को ये रूम मिल गया है। होटल का नाम है उत्तरायण और ये जो मेन मार्केट है यहाँ की चक्राता की, उसी में थोड़ा सा अप आते हैं हम तो लेफ्ट हैंड पे है। और टैरिफ भी ठीक ठाक है, इन्होंने 1500 रुपये मुझे बोले थे एक दिन के चार्ज करने के लिए, है ना वासु? हाँ। मगर हम लोगों ने थोड़ी सी बार्गेनिंग करके तो 1200 रुपये में ये फाइनल हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे, बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय bye bricks up build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my message